बार किस पार्टी का मेयर सहारनपुर का बनेगा, उसी को लेकर के जनता की राय सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन बनने जा रहा है सहारनपुर का मेयर। अच्छा, 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, उनका कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एक कौड़ी का नहीं। कि क्या नाराजगी है, वो तो कह रहे हैं कि हमने विकास कराया। देख रहा था सामने विकास जी, आप तो घूम रहे देख रहे विकास, कुछ नहीं करा। आखिर यूपी में किसे, सहारनपुर में किसे मेयर देख रहे हैं? अजी भाजपा होगी मेयर, जैसे होगा भाजपा जी भैया। और हाँ जी भैया, आप बताओ। मेरे भाजपा होगी, और आप तो युवा हैं, आप कैसे कह रहे भाजपा होगी? भाई वोट गिर रहे उसे, जब भी वोट उन्हीं पे जा रहा तो वही जीतेगा, और नहीं कोई जीतने का। तो इमरान मसूद साहब जी हार जाएंगे? वो तो मदारी से क्या गया तू, मदारी वो तो मदारी, कभी उधर भाग कभी उधर भाग, वो तो मदारी है भाई। अरे मुस्लिम और दलित समीकरण लेके चल रहे हैं। अरे वो तो बेकार है भाई, वो तो इमरान मसूद तो बेकार है, वो तो मदारी, वो तो बंदर है, वो डिप्टन भाई आने वाला, और कुछ नहीं है उसके पास का। जिधर देखा उधर भाग गया, कभी समाजवादी में और कभी क्या बोल ले मायावती में और कभी पंजे में, उसका नहीं कुछ हो सकता भाई। अरे जनता की भलाई के लिए तो मैं पार्टी बदलता हूँ, वो कह रहे कि जनता की भलाई के लिए। अजी कुछ नहीं करता वो, भरे बुले वो सारा अपना भरे जी, और कुछ भी नहीं भरता वो, सारा अपना भरते, सारा अपना भरे वो। मैं तो कैसा भी नेता नहीं मानता समाजवादी पार्टी को। अरे कुछ नहीं है समाज समाजवादी, मुझे सबसे बड़ा लगा मोदी, सही है भाई मोदी, सही यानी भाजपा सही लगी। हाँ सही है भाजपा, 5 साल में विकास हुआ, सही है भाजपा भाई, सही है जीतेगी भाई भाजपा। बता रहे तुझे भाई, आपने कह रहे भाजपा। हाँ जी भाई साहब, आप आज उधर को भाई, आप बताओ। अजी भाई जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस आएगी। हाँ, अब भाई लाठी किसकी और भैंस किसकी है? लाठी तो है मोदी की और भैंस है योगी की, इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। तो इमरान मसूद जी कहाँ जाएंगे? अजी इमरान मसूद क्या करेगा, एक ही तो सीट निकाल लगा, पूरी यूपी में तो यही निकाल लेंगे सारी जगह। यहाँ का क्या होगा, इस तरह निकालेगा कुछ हो जाएगा, मतलब अब अगर 99 आदमी एक जगह, एक आदमी एक जगह कुछ कर लगा, कुछ भी नहीं होना, बस जो हो गया काम ही नहीं होगा। यानी कि भाजपा जिता रहे आप तो, लेकिन इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित वोट अगर एक भी निकल गए सीट एक से, इमरान मसूद निकाल लो और कौन निकाल लगा बतलो। अरे सारे इमरान मसूद थोड़े हैं, यही दो बस इमरान मसूद, अगर इन्हें निकाल भी लिए एक में क्या होगा बतलो, कुछ हो जाएगा भाई। तो समाजवादी का अंदर में से लोटा निकाल लो, कोई फर्क पड़ रहा उसमें मतलब। आपने इमरान मसूद जी कह दिया, समाजवादी पार्टी का भाई समाजवादी तो आए, लेकिन वो जीत जाएगी सरकार, तो उसकी बन जाएगी। अभी 10-20 सीट 50 कितनी भी सीटें निकाल लेगी, लेकिन सरकार तो नहीं की बनी। विधायक भी नहीं गए, आएगा मेयर भी नहीं गए, एमपी भी नहीं गए, मन देख लो सब कुछ नहीं गए होगा, बसपा का कुछ नहीं। अरे सब फेल है, सारी मठ मजा आ गई है, सारे मठ मजा आ गए हैं, कुछ भी नहीं होना जी। राम जी बसपा में आ लिए, कोई बात काम आ गया बसपा में, तो फिर दो गला में पहुंच गया, फिर दो गला बन गया वो, इसका मतलब लो फिर अब तो आप इमरान जी के साथ करते वो पार्टी, दो गला बन गया इमरान, दूसरों पहुंच गया मायावती, सब पहुंच गया, सारे सब पहुंच रहे होना पड़ा कि तो कोई है ही नहीं, कोई सारी रंडों की सरकार है जी, क्योंकि रंडों की सरकार बननी थी। बसपा में जाने में मुस्लिम और दलित समीकरण होगा, नहीं होता कुछ नहीं होता, क्या मुस्लिम वोट नहीं पड़ना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं पड़ता आपके, सबने छोड़ दिया, अब यह समझ लो सारा मुस्लिम यानी कि इमरान जी के अगेंस्ट चला गया, सब छोड़ दे आपके। लेकिन अब की बार अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी से इमरान मसूद जी के परिवार से प्रत्याशी उतरे हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित समीकरण बनेगा और बहुजन समाज पार्टी का मेयर बनेगा, आप कैसे देखेंगे इसको? अभी तो देखो चुनाव, अभी पब्लिक करो किस पर बैठे, अभी तो कोई मालूम नहीं है। पार्टी कौन सी देख रहे हैं? पार्टी तो यही देख रही है जी, भाजपा। भाजपा, लेकिन लोग बाग तो कह रहे हैं कि अब की बार भाजपा से पब्लिक ना खुश है। भाजी अपनी अपनी सोच है, काम बढ़िया कर रही है, लेकिन गलत एक ही कर रही है, जो मतलब मुसलमान का हिंदू प्रतियो हिसाब मारकाट जो गलत कर रही है। अब की बार वोट किधर जा रहा मेयर चुनाव को लेकर? सपा को भाई, जहाँ जी करेगा वहाँ डाल देंगे। भैया ने कहा सपा को, सपा अरे भैया सपा को जाएगा भैया, वोट पक्का आपके, बिल्कुल सपा पे साइकिल। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आखिर किस प्रकार से इमरान मसूद जी तो अपने ख्वाब संजोए बैठे, वो कह रहे मुस्लिम और दलित समीकरण। इमरान मसूद हो गया चाहे कुछ हो गया, हम वोट देंगे सिर्फ अखिलेश भैया को बस, समाजवादी वो कोई उतार दे, चाहे किसी को उतार दे, वोट जाएगा सिर्फ ओनली अखिलेश भैया को, ओनली सपा सरकार साइकिल पे, चाहे इसे उतार दे लड़के को, हम वोट देंगे सपा सरकार। आप सपा को वोट देंगे? कुछ लोग हो रहे हैं पीछे, उनसे बातचीत करते हैं जी। सपा जिंदाबाद, सपा जिंदाबाद, कुछ लोग हो रहे हैं। हाँ जी भैया, वोट तो देते होंगे? वोट देंगे अखिलेश को और किसे, अखिलेश यादव को। आप सिर्फ ये बताओ समाजवादी को क्यों दे रहे हैं? अब की बार तो इमरान मसूद जी बसपा में चले गए, उनके साथ नहीं जाएंगे? इमरान के पीछे पीछे हम, वो तो कह रहे हैं इमरान की मुस्लिम हमारे साथ साथ है। हम तो इमरान के पीछे, और किसके पीछे? हम तो इमरान के पीछे, आप किसके पीछे? हम तो साइकिल के साथ है, साइकिल के साथ है। लेकिन अब की बार कह रहे कि मुस्लिम दलित साथ आ जाएं, मैं मेयर बनूंगा, विकास करा दूंगा। पहले बहुत कुछ कर दिया होगा, जॉब करेंगे, विकास नहीं कराया, बहुत कुछ कर दिया, क्या जॉब करेंगे? तो कह रहे जनता के साथ कुछ नहीं करते हो, सब अपने भरे हैं, कोई किसी नहीं कर रहा, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। कह रहे अब की बार तो मेरी भाभी लड़ रही, वोट दे दो, देखे कौन देगा वोट। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, क्या लग रहा है इमरान मसूद जी बाकी में साथ? वो तो घर जाएंगे अपने, घर बैठे मैं मुस्लिम समाज के साथ रहा, उनके दुख में रहा, उनके सुख में रहा। क्या का दुख है,
क्या किसी के साथ कोई हादसा में उनके साथ खड़ा क्यों? किसी घर में शादी में साथ खड़ा, हाथ पैर नहीं चल रहे हमारे जो हमारे साथ रहेगा वो नाराज गया नहीं हम तो नाराज हैं, नाराज है गले सड़ी भी पड़ी यहाँ तारी वो तभी तो कह रहे मुझे मेयर बनाओ मैं विकास कर दूंगा नालियां साफ करवा दूंगा तो बन जाएगा अपने घर बैठ के बन जाएगा कहीं यहाँ बनेगा वो मेयर। अच्छा आप किसे देख रहे फिर अब की बार में? हम तो बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को काम करा क्या? हाँ पूरा काम है। अरे हत्ती भी घर जा रहा, हत्ती भी घर जा रहा। लेकिन इमरान मसूद तो बार बार कह रहे कि भाई अब की बार तो समीकरण बन गया, भाजपा पे प्रत्याशी कमजोर है, समय जीत रहा हूँ तो जीत जाएगा भाई अपना, अपने वोट जीत जाएगा। लो जी लो ये आगे। हाँ जी चाचा आप बताओ, जीतेगा तो अपना खास आदमी, कभी काम नहीं है इन्हें क्या डर है? कल के ये कल के बच्चे हैं, ये कह रहे कल के बच्चे नहीं है, इनका तो वोट भी अभी आया। लो जी भाई इधर आ जाओ, अब न जाओ इधर आ जाओ, कहा जा रहे इमरान मसूद जी दुख सुख में साथ, ये कह रहे इमरान जी साथ रहे तो इनके हाथ पैर नहीं चलते होंगे? नहीं हाथ पैर बहुत चले, कल का बच्चे है तो इसे क्या पता है। इमरान जी आए कभी यहाँ? दुख सुख में खड़ा हर वक्त। लो जी लो बताओ कौन सा रहा? लो बताओ फजलुर रहमान जी का कौन सा गली मारा? तो फजलुर रहमान थोड़ी फैक्ट्री खुलवा दी यहाँ से गोश्त की, बस 170 रुपया मिला। उसका नेतागिरी का वो भी नहीं है कोई सबूत। अरे गोश्त बिक रहा देखो 170 रुपया बिक रहा, गोश्त तुम पैसों का दे रहा है कहीं मोल फ्री दे रहा तुम? आज भी करा नहीं करा हाजी जी ने, कुछ नहीं करा। आप बताओ बीजेपी को वोट देंगे? बता बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को क्यों वोट देंगे वोट ये तो बताओ। अच्छा जब देंगे बीजेपी को वोट, कारण क्या है आखिर? कारण कुरण कुछ नहीं है बीजेपी को, नहीं नहीं भागना नहीं, विकास कर रहे हैं बीजेपी। और विकास कर रही, कौन सा विकास कर रहे आपको सबसे बेहतर लगा? सारे रोड बनवा रही, हाईवे लाइन बनवा दिया, और क्या बनवावे? वो तो NHAI बनवा रही है। क्या नाम है? फुरकान। फुरकान भाई निकाय चुनाव नजदीक है, आप कैसे देख रहे हैं अब की बात? मैं बता रहा आपसे, यहाँ टोटल मोहल्ले में ज्यादातर पहले समाजवादी को जाता था, समझ लो बात को एक तरफी, लेकिन इस बार भाजपा को जागा। इसकी वजह है यहाँ 70 साल से लोगों के मकान नहीं बने थे, कच्चे टूटे फूटे मकान थे, बेचारे बहुत गरीब मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी की बहुत अच्छी योजना चली है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत लोगों को लाभ मिला, बहुत मकान बने यहाँ। और एक यह जो ये जो जो इलाज चलता है जिसमें क्या है, आयुष्मान योजना, उसमें क्या है 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है। मैं आपकी बात को रोक के कहना चाहूंगा, आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बात है। सवाल इस वक्त है निकाय चुनाव का, निकाय की सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है, तो फायदा तो मिल ही रहा है ना भाई, यूपी सरकार से फायदा मिल रहा है बहुत, कई योजना चल रही यूपी सरकार। सहारनपुर में सवाल ये है कि सहारनपुर विकास हुआ या नहीं हुआ? बहुत बेसुमार विकास है जी हर चारों तरफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि सड़कें खुदी पड़ी हैं, गड्ढे बरकरार हैं, कहीं विकास नहीं हुआ। ये आरोप तो बहुत सरकारों पर चलते आ रहे हैं, मगर ये तो दिख रहा है ना विकास, चारों तरफ विकास ही चल रहा। एक सवाल आपसे और करता हूँ, मुस्लिम समाज किधर है? अजी भाजपा पे ये है ज्यादातर, मैं बताऊँ इसके वजह तो बता दी ना मैंने आपसे, बहुत योजना है जो मुसलमानों को मिली इस सरकार में, जबकि मुसलमानों ने आज तक वोट नहीं दिया भाजपा को, कभी वोट नहीं दिया। इसमें सवाल उठता है, इमरान मसूद जी सहारनपुर के बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित मेरे साथ हैं और अब की बार मेयर मैं बनने जा रहा हूँ, मेरे परिवार। वो तो मदारी MLC की सीट नहीं मिले तो इसमें घुस गया, उसे MLC की सीट के लिए उसने वादा हुआ था उससे, अभी पीछे जो चुनाव हुआ उससे वादा हो गया MLC बना देंगे, उन्हें MLC नहीं बनाया तो उधर चले गए बहन जी के बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए। अब क्या हुआ है, आजम खान से बहुत लोग नाराज हैं क्योंकि कुछ नेता जो समाजवादी के थे वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो MLC उन्होंने एक ऐसे आदमी सहारनपुर से ही बनाया किसी को, शाहनवाज जी हैं, शाहनवाज खान साहब, तो इसलिए पूरे अंदर खाने जितने समाजवादी के बढ़िया नेता हैं वो टोटल कन्वर्ट हुए, वे नाराज हैं समाजवादी से, समाजवादी का तो कोई वजूद ही नहीं रहना। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई निकाय चुनाव आ गए, अब की बार आप कैसे देख रहे हैं निकाय चुनाव को? बस जो सरकार काम कर रही है उसे देखेंगे। सरकार कौन सी काम बढ़िया कर रही है? फिलहाल तो सरकार यही काम कर रही है भाजपा की, विकास को जी। यानी कि फिर तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास करा, क्या भारतीय जनता पार्टी को जी भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा? और फिर अब की बार फिर इमरान मसूद जी का क्या होगा जो कह रहे हैं कि मुस्लिम दलित समीकरण बन रहे हैं? भाई जी जो विकास करेगा उसको वोट जाएगा, ना जाए तो उनसे बातचीत करते जी। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद दानिश। दानिश भाई आप कैसे देख रहे हैं निकाय चुनाव है? तमाम लोग अपनी अपनी प्रक्रिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ भाजपा सपा और बसपा, आप किसे देख रहे हैं? जिस तरह पब्लिक का रुझान होगा उस तरफ जाएंगे हम। भैया बहुत देर से बच रहे, मतलब देखते हैं आखिर कौन सी पार्टी आपको लग रही है। आखिरी सवाल आपके साथ है। जी अखिलेश साहब को वोट जाएगा। अखिलेश साहब समाजवादी, क्या इमरान जी से नाराज है? जी हमने तो कभी इमरान को वोट ही नहीं दिया, संजय गर्ग साहब को दिया था वोट। वो तो कह रहे संजय गर्ग साहब को ही मैंने विधायक बनाया,
जी देखो मुझे इतना तो पता नहीं इसके बारे में, हम तो साफ सी बात है जो हमारे 3-4 वोट है हमने तीनों अखिलेश को ही दिए जी। समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे आप? हाँ जी। क्या इमरान मसूद जी को बिल्कुल खत्म है नहीं जी? और जो भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाई विकास हुआ, उनके घर का ही विकास हुआ जी, उन्हीं के घर गुरु बने जी। तो इमरान मसूद जी को क्या कहेंगे? देख लो जी गेट भी नहीं है। इमरान मसूद जी को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि मैं बसपा का मेयर बनूं और मैं विकास कराऊंगा जी? कोई भी नहीं करा रहा है, देख लो जी गली अभी हमारे सामने, हमारे बच्चों की पढ़ाई है। मुझे मौका दो मैं मेयर बनूंगा, विकास करा दूंगा। अजय कुछ भी नहीं करा रहा, कोई भी नहीं कुछ करा रहा, हम तो अपना वोट अखिलेश साहब को दे गए, अब वो चाहे किसी को भी खड़ा करे, हमारा वोट तो अखिलेश को जी। यानी कि समाजवादी पार्टी को वोट है चाहे किसी पार्टी किसी से भी हो, कोई भी खड़ा हो जी, तुम खड़े हो जाओ तुम्हें दे देंगे, हम खड़े हो जाओ तुम्हें। तो ये थी सहारनपुर की जनता की राय, जिन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर के आखिर जनता की क्या तैयारियां हैं।